हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है उसका जो चैप्टर है कवित। तो कवित पाठ से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में 12th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। ऑप्शन से ए भूषण, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नभादास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कवित शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो भूषण है। प्रश्न संख्या 2 है कि भूषण रीतिकाल की कौन सी धारा के कवि हैं। ऑप्शन से ए निर्गुण धारा के, ऑप्शन बी सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के, ऑप्शन सी सगुण धारा के और ऑप्शन डी रीतियुक्त धारा के। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रीतियुक्त धारा के। प्रश्न संख्या 3 है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। ऑप्शन से ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी वीर रस और ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर रस। प्रश्न संख्या 4 है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ऑप्शन से 50 छंदों में, ऑप्शन बी 52 छंदों में, ऑप्शन सी 59 छंदों में और ऑप्शन डी 10 छंदों में। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 छंदों में। प्रश्न संख्या 5 है कि भूषण मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। ऑप्शन से ए खड़ी बोली में, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी अवधी में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की है। प्रश्न संख्या 6 है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। ऑप्शन से ए रौद्र रूप, ऑप्शन बी भयंकर रूप, ऑप्शन सी मधुर रूप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रौद्र रूप। प्रश्न संख्या 7 है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। ऑप्शन से ए प्रसाद, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी गहने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन। छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 8 है कि लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन से ए श्वेलेश, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी उपमा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। ऑप्शन से ए साकेत, ऑप्शन बी है कमायनी, ऑप्शन सी है रक्तमाल और ऑप्शन डी शिवराज भूषण।
तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवराज भूषण। प्रश्न संख्या 10 है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। ऑप्शन से ए छत्रसाल की, ऑप्शन बी शिवाजी की, ऑप्शन सी राम की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शिवाजी की। प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सी कृति भूषण की है, कौन सी कृति भूषण की है। ऑप्शन से ए अष्टयाम, ऑप्शन बी शिवा बापनी, ऑप्शन सी साहित्य लहरी और ऑप्शन डी चित्ररेखा। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शिवा बापनी। प्रश्न संख्या 12 है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन से ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन बी भामा शाह ने, ऑप्शन सी टोडरमल ने और ऑप्शन डी अकबर ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। प्रश्न संख्या 13 है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन से ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 108 और ऑप्शन डी 105। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 105। प्रश्न संख्या 14 है शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन से ए 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 54। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 52। प्रश्न संख्या 15 है कि भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय नायक हैं। ऑप्शन से ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन बी राणा प्रताप और राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और मानसिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा कि भूषण के प्रिय नायक हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। प्रश्न संख्या 16 है शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था। ऑप्शन से ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी साहूजी, ऑप्शन सी भानु प्रताप और ऑप्शन डी यज्ञसेन। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। प्रश्न संख्या 17 है कि छत्रसाल दशक में छंद हैं। ऑप्शन से ए 110, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 310 और ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 18 है कि भूषण के पिता का नाम था, प्रश्न संख्या 18 है कि भूषण के पिता का नाम था। ऑप्शन से ए रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन बी नंदन त्रिपाठी, ऑप्शन सी भृगु नंदन त्रिपाठी और ऑप्शन डी शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा कि भूषण के पिता का नाम ऑप्शन ए रत्नाकर त्रिपाठी था। प्रश्न संख्या 19 है
चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? ऑप्शन से ए भाई, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी भतीजा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। प्रश्न संख्या 20 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? ऑप्शन से ए शिवाजी की, ऑप्शन बी शिवजी की, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12th का जो पद भाग है उसका जो चैप्टर है कवित, तो इस चैप्टर से संबंधित हमारा आज का वीडियो था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।